दाहिनी नदियां अब विलुप्तावस्था में है, मरने के कगार पर है, बहुत सी मर गई है, बहुत सी नदियां तड़प तड़प करके मर रही है। ऐसे में कटर के पानी में छठ जैसा पवित्र त्यौहार मनाने की मजबूरी हो गई है। मैं जिधर दिखा रहा हूँ आपको अटपटा लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है, यथार्थ से आच्छादित इस पक्ष को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, हमें इसमें वाराणसी में वरुणा के तट पर, वरुणा पवित्र नदी हुआ करती थी, उसके तट पर लाल बहादुर शास्त्री घाट पर या ऊपर से आप फूल देख रहे हैं कचहरी के पास किसी श्रद्धालु ने फेंका है। मैं एक तरफा बात नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी पूजा पद्धति ने भी नदियों को बुरी तरह से प्रभावित किया है। आप इस नदी के काला काला पानी को देख सकते हैं, पानी तो है ही नहीं, इस नदी में पूरी तौर पर जल बल है, गटर का पानी है, कचरा है, और यह नदी सांस नहीं लेती। यदि इस नदी के पानी का ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन समाप्ति के कगार पर है। और इस छठ पूजा के बारे में कहा गया है कि भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, आसुरी प्रवृत्तियों का संहार करते हैं, अयोध्या में आते हैं, तो अपने कुल देवता सूर्यदेव जो अब उग आए हैं, महिलाएं उन्हें अर्घ दे रही हैं, माताएं बहनें अपने पतिदेव के साथ अपने बच्चों के साथ, यह भगवान भास्कर का उदय हो चला है, अब यह पूजा यहाँ से समाप्त होगा, घर में बन जाएगी। तो मैं कह रहा था भगवान राम जब अयोध्या में आए तो उन्होंने अपने कुल देवता को अर्घ दिया था, शाम को अर्घ दिया था और फिर सुबह जाकर के सुबह भी अर्घ दिया था सरजू नदी के। तब से यह पूजा प्रचलन में है और भी कई किंवदंतियां हैं, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। आप वहाँ जल बहुत लगा हुआ है, जवान वहाँ बचे हुए हैं, कोई दुर्घटना न हो, डूबने से तो कोई नहीं मरेगा, लेकिन इस कचरे में जो आपकी है या इसको जाएंगे और तमाम फूल माला है सब नदियों में बहा दिया जाएगा, सब गंगा में। यह नदी भी गंगा में मिलती है। बताते चले इस नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उद्गम स्थल कहाँ है और संगम कहाँ है। यह नदी इलाहाबाद वर्तमान में वर्तमान नाम प्रयागराज के फूलपुर से निकली है, बैलहन झील है वहाँ से निकली है और 202 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद से प्रतापगढ़, जौनपुर और फिर वाराणसी, तीन जिले की जीवन दायिनी नदी के रूप में इसे जाना जाता है। सिंचाई होती थी, अगल बगल के उपजाऊ क्षेत्र हुआ करते थे, खेती होती थी। यह नदी आज लोग चिल्ला चिल्ला करके कह रही है, बचाओ बचाओ बचाओ, मार डाला मुझे जालिम ने खता से। कोई कसूर नहीं है इस नदी का, लेकिन सबने मिलकर के मार डाला। यह कॉरिडोर आपके बरुआ कॉरिडोर है, यूपी सरकार ने इसे शुरू किया था, वर्तमान सरकार ने इस पर जांच भी कराया। यह नदी का जो दायरा था उसको और भी समेट दिया गया, अतिक्रमण तो हुआ ही है, जबरदस्त अतिक्रमण हुआ है अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए और भ्रष्टाचार को ढकने के लिए इसको यह कॉरिडोर बनाया गया। कॉरिडोर में यह पत्थर आप देख रहे हैं, इसे भी सजा दिया जाएगा अगल बगल ढकने के लिए होता है, लेकिन भैया जब तक नाले गिरने बंद नहीं होंगे तब तक कॉरिडोर बना दो या फिर इसे चांदी और सोने से चमका दो, नदी का तो पुनर्जीवन हुआ। ब्रह्म पुराण में कहा गया है और विष्णु पुराण में कि भगवान विष्णु के दाहिने अंगूठे से वरुणा नदी की उत्पत्ति हुई है और असी नदी भगवान विष्णु के बाएं अंगूठे से निकली है। असी और वरुणा, भगवान शंकर ने कहा है, शास्त्रों में उल्लेख है, पार्वती से बताते हैं कि हे पार्वती, असली काशी जो है वरुणा और असी के बीच में है, जिसे मार डाला है। कहा जाए इसे बड़ा अपराधी कहा जाए, किंतु एक ही हमाम में नहाए हुए हम सभी को देख रहे हैं। यह तरफ तरफ के हर बीमारी होती
सुमनदायिनी नदी जो गंगा में जाकर संगम का रूप धारण करती है। यहाँ दो संगम है, एक असी नदी का संगम है और एक वरुणा का संगम है। बगैर पटाखे भी कोई त्यौहार तो नहीं जा रहे हैं और इन्हें क्या पता किस प्रकार यह जीव जंतुओं के लिए। लेकिन भैया कहेगा, अब सवाल यह है कि हिंदू त्यौहार है बनेगा कैसे जब तक धूम धड़ाका नहीं होगा, जब तक हम पटाखे नहीं। क्या है फसल को साफ कौन करेगा, सरकारें नाला गिराएंगी, लोगों के घरों का मल मुक्त जाएगा, लोग पूजा पद्धति के नाम पर कचरा फैलाएंगे। काला काला पानी तो आप देख ही रहे होंगे, न रहे फूलपुर में जहाँ से वरुणा नदी निकलती हुई है। बताते हैं कि यम, वरुण और इंद्र तीनों लोगों ने वहाँ एक तपस्या किया था, एक यज्ञ किया था। यज्ञ के बाद जो साधु संत आए थे उन लोगों को जो आचमन कराया, जो हाथ घुमाया, उससे मैलहन झील की उत्पत्ति हुई। मैं नहीं जानता क्या है, जो लिखा है उसमें। और उस झील से बाद में इस वरुणा नदी को निकाला गया और यह 202 किलोमीटर आच्छादित करते हुए वाराणसी में कुल देवता थे भगवान राम के। छठी मैया के मंगल गीत गाए जा रहे हैं, सभी का कल्याण यह पति पति उनके दीर्घजीवी हो इसलिए भी किया जाता है, धन धान्य से परिपूर्ण हो इसलिए भी अवृत किया जाता है और मंगल हो लोगों के घरों में इस कारण भी इस व्रत को किया जाता है। और जयशंकर प्रसाद जी ने भी वरुणा का कई जगह उल्लेख किया है, उनसे प्रेमचंद भी किया है। अरे वरुणा की सात पछाड़ एक रचना में यह लाइनें मुझे स्मरण हो रही है। अरे वरुणा की सात पछाड़, यह सात पछाड़ अब जलमल से अशांत हो गई है, तड़प तड़प कर दम तोड़ रही है। मैं आपको घाटों पर चलकर दिखाता हूँ भौतिक स्थिति। छठ पूजा का अवसान हो गया है, अर्घ देकर अब लोग जा रहे हैं अपने अपने सारा वाला कुछ केमिकल युक्त पूजा की सामग्री होगी वो अभी जाएगी। मैं किनारे आ गया हूँ, अब आप इसको देखते जाइए। इधर काला काला पानी आप देख सकते हैं वरुणा का, किस प्रकार इसमें तमाम अवशिष्ट पदार्थ डाले गए हैं किनारे किनारे आप देखते हैं। यह देखने के उपरांत आप और भी देख सकते हैं पूजा की सामग्रियाँ यहाँ देखेंगे। पानी इसमें है ही जो भी है जलमल है, क्योंकि दर्जनों नाले तो वरुणा में केवल वाराणसी में ही और यह सारे नाले चले जाते हैं गंगा में। यहाँ नीति है संगम हो जाता है। आप देख रहे हैं इधर आपकी दृष्टि जाए इधर, यह सारा कुछ वरुणा में होता है। जो भी आप अपशिष्ट पदार्थ पेपर देख रहे हैं
करेंगे अपने पूजा पद्धति में, कब हम प्राणदायिनी नदियों के प्रति सचेत, कब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार वरुणा के किनारे भी आकर और यह कहेंगे माँ वरुणा ने बुलाया, कब हमारे मुख्यमंत्री जी असी नदी के किनारे जाएंगे जो 52 तालाबों से होकर के गंगा में मिलता है, कई बार हमने उसे दिखाया भी है, कब हमारे नुमाइंदा यहाँ के मिनिस्टर यहाँ के सांसद चीफ मिनिस्टर साहब 35 बार वाराणसी, कई बार उनका प्रवास भी होता है, कब इस वरुणा को देखेंगे, मरती हुई वरुणा, अखिलेश ने तो कर दिया कॉरिडोर बना दिया, अखिलेश के पास विवेक शून्यता थी, अब उन्होंने शायद यह नहीं सोचा कि पहले नाले बंद करो और उसके बाद हम कॉरिडोर बनाएंगे, नाले गिरते जाएंगे, और अतिक्रमण किसने किया है, जो भी सरकारी पार्टी के लोग हों उनकी सरकारी पार्टी उसके पहले की सरकारी पार्टी और जिनका प्रभाव है उन लोगों ने ही इसलिए नदी को समेट दिया या इसका विस्तार बड़ा विस्तार समेट करके कॉरिडोर बनाया गया और नदी को मार डाला गया। आज हम वरुणा के तट पर पुनः देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी से और अधिकारियों ने तो इसे सीखे की खेती में लगातार वरुणा और असी से हर उगाही की गई और यह कब तक करते रहेंगे, वो कब जगेंगे, लोगों को गुस्सा कब आएगा, युग पानी में जा नहीं करेंगे, यह भी एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हम सभी को ढूंढना ही पड़ेगा। हम हैं ब्रजभूषण दुबे सामाजिक कार्यकर्ता और यूट्यूब हमारे नाम से ही है ब्रजभूषण दुबे के नाम से। आज हमने अपने लगभग 12 किलोमीटर साइकिल चला करके यहाँ तक आया हूँ और इस लोगों से भी कह रहा हूँ यह गंदा कृत बंद होना चाहिए, फूल माला डाल करके आप कहीं किनारे छोड़िए उससे खाद बन जाएंगे, जो भी इसका गेंदा है का और ऐसे पदार्थ है उसे आप बाहर और खाद बनेगी, जगह जगह घाटों पर भी इस तरह के कूड़े के ऐसे पात्र बनाना चाहिए जिससे खाद बनाई जा सके। हम लोगों के गुड सेंस की कामना करते हैं, सरकार के गुड सेंस की कामना करते हैं और आप सभी से आह्वान करते हैं कि नदियों को जल स्रोतों को जो हमारे प्राण तत्व हैं, जो नदियां हमारी जीवन दायिनी है, जो जीवन रेखा है, उनको बचाने के लिए यदि अभी से हमने प्रयास नहीं किया तो आने वाला समय आने वाली अपनी ही पीढ़ियाँ अपने ही बच्चे हमें लांछित पूर्वज के रूप में याद करेंगे और हमें हमारे लोग माफ करेंगे।